तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गोयल। टेक्निकल इन्फो नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में नेक्स्ट पार्ट सीखने वाले हैं, तो देखते हैं स्लाइड। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के होम के स्लाइड मेनू में, होम का सब मेनू स्लाइड मेनू। यहाँ से हम लोग स्लाइड मेनू में स्लाइड सेलेक्ट करते हैं न्यू स्लाइड का। यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी स्लाइड का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेआउट। लेआउट का हम लोग अगर डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो डिजाइन चेंज कर सकते हैं कंपैरिजनली। यहाँ से हमारे पास क्लिप आर्ट में से कोई भी क्लिप ले सकते हैं। जैसे कि मान लो, सपोज हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास हमें रीसेट करना है, तो स्लाइड में रीसेट भी ऑप्शन होता है। लेआउट चेंज कर दिया, हमें रीसेट करना है किसी चीज़ को, तो रीसेट शायद हो जाए। रीसेट रीसेट में मतलब रीस्टार्ट हो जाता है। रीसेट द मतलब रीसेट द पोजिशन साइज एंड फॉर्मेटिंग द स्लाइड स्पेस। मान लो हमने ये स्लाइड में यहाँ पे रेस कर दिया और इसको रीसेट कर दिया, तो इसके सिलेक्शंस को, साइज को रीसेट कर देता है। दूसरा होता है सेक्शन। सेक्शन का यूज़ हम लोग जब करते हैं जब हमें कोई सेक्शन बांटने हो, यानी कि ये सेक्शन किस चीज़ के लिए है, इसका मतलब क्लाइमेक्स सीन के लिए है या एंड ऑफ सीन्स के लिए है, या एक और हम लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम नहीं दबा पा रहे तो स्लाइड चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे को सिलेक्शन यहाँ ऐड करना है, वो सिलेक्शन का नेम लिख लेते हैं, जैसे जी, और वो ए सिलेक्शन है। मान लो ए, और ये हमारा बी सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोग रिमूव सिलेक्शन भी कर सकते हैं, रिमूव सिलेक्शन एंड स्लाइड्स भी कर सकते हैं, रिमूव ऑल सेक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें यही है। और मान लो मैंने इसका साइज फिर से यू कर दिया और उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन मैंने रीसेट किया तो वापस उसी जगह पे पहुँच गया। तो यही सब चीज़ होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इम्पॉर्टेंट लग रहा हो तो लाइक भी करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ भी, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।